हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी सिम में इनकमिंग आउटगोइंग जो कॉल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर जो आपकी कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें आप फिक्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो कभी कभी कॉल जो है डायरेक्टली कट हो जाती है, वो कॉल एंड प्रॉब्लम दिखाता है, तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं 10 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप कॉल एंडेड प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम होगी वो एकदम से फिक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मोबाइल में कॉल एंडेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो जो पहली सेटिंग है उसका नाम है कॉल बैरिंग सेटिंग, तो आपको इसे डिसेबल करना होगा, क्योंकि अगर ये इनेबल है तो आपके मोबाइल में जो कॉल एंडेड प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसे कैसे डिसेबल करेंगे, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसे ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर कॉल सेटिंग नेम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसे ढूंढ लेना है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको फ़ोन ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए, तो जैसे आप यहाँ पर कॉल सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल बैरिंग। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर यहाँ पर इनेबल है, अगर यहाँ पर वो ऑन है, तो आपकी जो कॉल जो एंडेड प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको इसे जो है यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सेटिंग की। तो यहाँ पर दरअसल इसे आप सेटिंग या फिर कोड कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ जो है USSD कोड होते हैं, तो दरअसल ये उसी टाइप का है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जो डायल पैड है उसे ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर जो टाइप करना होगा #31#, और इसे आपको डायल करना होगा। तो अगर आप इसे डायल करेंगे तो इसमें जो सर्विसेज जो एक्टिव होंगी वो डिसेबल हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर तीसरे सेटिंग की। तो तीसरे सेटिंग में है फ्लाइट मोड, या फिर आप जो अपने मोबाइल को रिबूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कुछ टाइम के लिए अगर आप डालते हैं, तो इसके बाद आपको कुछ टाइम बाद उसे जो है डिसेबल करने के बाद आपके मोबाइल के जो नेटवर्क्स होते हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कि आपके जो कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम है शायद वो सॉल्व हो सकती है। अगर नहीं होती है तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर चौथी सेटिंग है, आपको चौथी सेटिंग में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रेफर नेटवर्क टाइप, या फिर आप कह सकते हैं नेटवर्क मोड। तो आपको इस सेटिंग के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें आपको यहाँ पर जो है नेटवर्क सेटिंग मिलती है, तो आपको उसमें जाना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं नेटवर्क मोड के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रेफर LTE 4G 3G या फिर 2G, इस वाले ऑप्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है बहुत टाइम में आपको कॉल एंडेड की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी सेटिंग की। तो यहीं पर आपको एक जो है डेटा रोमिंग एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे हमेशा इनेबल रखना है। अगर आप इसे डिसेबल रखेंगे तो आपको जो कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करें सिक्स सेटिंग की, तो सिक्स सेटिंग में आता है VoLTE HD कॉल ऑप्शन का। तो यहाँ पर आपको हमेशा इसे इनेबल रखना होगा, आपके मोबाइल में सिर्फ VoLTE ऑप्शन ही हो सकता है, तो आपको इसे हमेशा इनेबल रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 95% जो चांसेस होते हैं वो इसी ऑप्शन की वजह से होते हैं कि आपके मोबाइल में जो कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है, तो हमेशा इसे इनेबल रखना है। यहाँ पर मैंने आपको अभी 6 सेटिंग बताई हैं जिन्हें अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपकी 80% तक जो है कॉल एंडेड प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। अगर नहीं होती है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सातवीं सेटिंग है या फिर इसे एडवाइस समझ लीजिए, यहाँ पर जो है सिम स्लॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको हमेशा अपने मोबाइल का जो सिम स्लॉट है उसे एक बार जरूर चेंज करें, यानी कि अगर आपका सिम 2 में है तो उसे 1 में डाल के देखिए, हो सकता है कि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, यानी कि जो यहाँ पर 8th नंबर पर जो सेटिंग है वो आती है ऑटोमेटिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसे ऑटोमेटिक से आपको मैनुअली करना होगा, तो आपको ये जो है मोबाइल नेटवर्क में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे डिसेबल करेंगे तो ये थोड़ा जो है रिफ्रेश करेगा, जिसके बाद कि आपको यहाँ पर ये बहुत सारे नेटवर्क के आपको सोर्स दिखाएगा, तो आपको इसमें से कोई सा भी आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपके एरिया में अच्छे से काम कर सकता है। अब आप यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि कौन सा अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले और दूसरे वाला आपको यहाँ पर जो है चेक करना है। अगर ये जो है यहाँ पर नेटवर्क आपको शो करता है तो आप उन्हीं में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग की। तो यहाँ पर आती है रीसेट ऑल सेटिंग, यानी कि आपके मोबाइल की जो सेटिंग होती हैं उन्हें आपको रीसेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके मोबाइल की जो सेटिंग होगी वहाँ पर आपको रीसेट और रिस्टोर नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको बैकअप एंड रिस्टोर नाम से मिल सकता है। तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर होगा रीसेट ऑल सेटिंग और उसके नीचे होगा रिस्टोर या फिर इरेज ऑल डेटा। तो आपको यहाँ पर जो ऑल डेटा वाला है उस पर नहीं करना है, बल्कि जो आपको रीसेट ऑल सेटिंग वाला ऑप्शन है उसी पर
करना है, क्योंकि अगर आप रीसेट ऑल डेटा पे करेंगे तो आपका मोबाइल पूरा रिस्टोर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ रीसेट ऑल सेटिंग पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस सेटिंग को आपको रीसेट करना होगा, और इसके बाद आपके मोबाइल में जो नेटवर्क सेटिंग है वो जो पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा, जिसके बाद कि आपको कॉल एंडेड प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी 9 ऐसी सेटिंग बताई हैं जिससे कि आप अपने मोबाइल में जो कॉल एंडेड जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो है बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो है लगभग सॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो हो सकता है कि आपके जो कॉल ऑपरेटर हैं यानी कि आपके जो सिम ऑपरेटर हैं वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, आपका जो सिम ऑपरेटर है आपको उस पर कस्टमर केयर पर आपको कॉल करना होगा, जिसके बाद कि आपको वो कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 ऐसी सेटिंग्स हैं या फिर आप ट्रिक्स कह सकते हैं जिससे कि आप अपने मोबाइल में जो कॉल एंडेड प्रॉब्लम है उसे आप फिक्स कर सकते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बाद कि आपके मोबाइल में इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो कॉल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक और यूजर नेम दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।